तो आज हम लोग भूत के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग का आज का टॉपिक आवे होने वाला है, क्योंकि इसको फिनलैंड की भाषा में भूत बुलाया जाता है, यानी गोस्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे, भूत के नाम पे कोई अपने कॉइन का नाम रखता है क्या? देखिए, असलियत में इसके पीछे एक डीपर मीनिंग है। जैसे गोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, हमें दिखता नहीं, या हमें दिखता भी तो हमें आर पार दिखता है उसके, तो ऐसा ही इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाने का सोचा जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। यानी अगर कोई चाह रहा है कि क्या हो रहा है उसके अंदर हमें पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा आवे के अंदर, और किसी प्रोटोकॉल में ये नहीं है। और आवे हमारा डेफाई को पूरा गवर्न भी करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तभी इसकी वैल्यू आप दूसरे डेफाई से कंपेयर करेंगे, जैसे सुशी हो गया, या उसके अलावा बैल हो गया, जो बैलेंसर है हमारा कॉइन, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि गवर्न करता है। बैकग्राउंड हिस्ट्री टाइम गाइस, तो इनको जिसने बनाया था उसका नाम है स्टैनिस कोलेचा, और 2017 नवंबर में इसको बनाया गया था। मैंने आपको इसका यूज़ बता ही दिया, बहुत अच्छा यूज़ है। उसके अलावा बहुत जल्दी ही डेफाई का सीज़न आने वाला है, तो इसकी वैल्यू इतनी तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मारने वाली है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लें अभी, और एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकाल के चले जाएँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं वाली, ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है। लेकिन मैं जो काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ना, अगर आप खुद एनालाइज करेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे, और काफ़ी जल्दी आप इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कॉइन या टोकन हो, वो किसी ना किसी रियल वर्ल्ड के काम आना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू बनी रहेगी। इसकी काफ़ी ज़्यादा है, यानी काफ़ी काम आ रहा होगा। जी हाँ, ये बोरोइंग और लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। इसके बारे में आप डिटेल से कहीं भी पढ़ सकते हैं, विकी पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन में आवे की मार्केट वैल्यू $386.77 है, उसके अलावा 1.02% के साथ इंक्रीज में है। मार्केट वैल्यू 1.04% के साथ इंक्रीज में, उसके अलावा डाइल्यूशन 1.02% के साथ इंक्रीज में, और वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 6.42%, काफ़ी ज़्यादा है आवे के हिसाब से, और ये अच्छी बात है। उसके अलावा ऐसा होना लाजमी सी बात है, क्योंकि डीफाई सीज़न आ रहा है, और काफ़ी दिन के अंदर ही ये बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू टेस्ट करने वाला है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा इसकी ऑल टाइम हाई कितनी रह सकती है। उसके अलावा डीफाई सीज़न के अंदर काफ़ी सारे और दूसरे कॉइन्स भी काफ़ी तेज़ी से बूम मार सकते हैं। मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये। एक सबसे पहला हो गया हमारा सुशी, ये आपको बाइनेंस या फिर वजीर एक्स दोनों पे मिल जाएगा USDT के अंदर। उसके अलावा बैलेंसर BAL नाम से आपको मिल जाएगा ये कॉइन। ये कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आवे भागता है तो पीछे पीछे ये दोनों भी भागेंगे, क्योंकि आवे ही सबको गवर्न करने वाला है कि किस तरफ जाना है। अगर ये नीचे आता है तो वो दोनों भी नीचे आएंगे। अब ये मान के चलिए, इस वक्त मार्केट का ज़्यादातर पैसा डीफाई के अंदर लग रखा है, तो काफ़ी जल्दी हमें पंप देखने को मिल सकता है डीफाई के अंदर। उसके अलावा आप 24 घंटे के अंदर ये देख ही सकते हैं, ये सब देख लीजिए। उसके अलावा मार्केट रैंक जो मेन दिखाने वाला था मैं, 33 है। देखिए, मार्केट के अंदर इसने काफ़ी अच्छी अपनी रैंक मेंटेन कर रखी है। तो हम लोग PA के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमारा जो पहला सपोर्ट है ये है 346। देखिए, अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे आ जाती है 382 को, तो ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी और 348 पे नीचे आ जाएगी। तो अभी इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 348 को ये पार करने के लिए ये स्ट्रगल कर रहा था पहले, इसने लेकिन पार कर लिया, फिर उसके बाद ऊपर के फिर नीचे आया, फिर इसको स्ट्रगल करनी पड़ी थोड़ी सी, और ये अभी अप है। और देखिए, अगर इसके ये अप है जो मैंने दूसरा बनाया हुआ है, यानी ये ऊपर ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ग्राफ क्या ही, मैं उसका ऑल टाइम हाई आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए, हमें सबसे टॉप का लेना है, ठीक, टॉप का लिया, और सबसे लोएस्ट पॉइंट अब हमें लेना है, लिया, अब यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक। अब इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करते चलते हैं, छोटा किया। अब देखिए, हमारी वैल्यू जो टॉप जा सकती सबसे ज़्यादा वो $915 से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको रियलिस्टिक टारगेट्स अभी बता देता हूँ, जैसे कि इसकी 510 के आसपास आराम से चली जाएगी, यहाँ पे बहुत आराम से तोड़ते हुए निकल जाएगी। लेकिन ये एक कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए, हम अगर इसके ऊपर निकल गए, जो कि जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी 444, क्योंकि यहाँ साइडवेज कंसोलिडेशन कुछ दिन तक चलेगा, तो अगर इसके ऊपर निकल गए तो भाई साहब 538 या 40 के आसपास आपको आराम से देखते हुए मिल जाएगा। और अगर इसके भी ऊपर निकल गए तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ सकती है, 676। यहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 500 प्लस तो चली जाएगी आराम से, इतना मेरा मानना है और मेरे TA का।
तो आपको जो सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो मैंने पहले ही बता दिया। आप एंट्री कब ले सकते हैं इसके अंदर, देखिए आज का कैंडल बंद होने दीजिए, देखिए क्या वैल्यू जाती है इसकी, ऊपर जाती है नीचे जाती है। नीचे आती है तो आपके लिए अच्छी बात है, जो होल्डर्स हैं उनके लिए ख़राब बात है, लेकिन आप हमारे सब्सक्राइबर्स तो मैं आपको बताऊँगा आज के दिन रुकिए। ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम मिलेगा प्रॉफिट लेकिन मिलेगा, लेकिन अभी अगर नीचे चली जाती है तो आप पैनिक सेल कर देंगे, इसलिए अभी रुक जाइए आज का दिन, कल तक की हमारी कॉल का वेट करिए। हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, हम वहीं कॉल देंगे, यहाँ पर नहीं देने वाले। अब हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट कल कवर कर रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज को इतना ही बताना था मेरे को कि कैसे कैसे ऊपर जा सकती है वैल्यू, कैसे कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके अलावा बुल फ्लैग पैटर्न आपको मैं दिखा चुका हूँ। और फिर बस इतना ही था वीडियो में, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।